Welcome my channel Android Computer Tech. लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन हासिल करें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस की। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सुलेमान जट फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने फ़ोन की बैटरी को रीसेट कैसे करें। दोस्तों, होता क्या है कि आप, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं सैमसंग गैलेक्सी J7 यूज़ कर रहा हूँ। तो आज जो मिली है अपडेट यानी ऑडियो, और वैसे भी J5 और J7 Max 16 Pro और जितने भी ये न्यू मॉडल हैं, इनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको उसकी कंज्यूम बचाई कैसे जाए। होता क्या है दोस्तों कि आप क्या करते हैं, आप फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो वो 10-15 मिनट में या 20 मिनट में या एक घंटे में बैटरी फुल कर देता है। बाद में साथ ही साथ इसकी फ़ोन से पहले बहुत जल्दी बैटरी लो भी हो जा रही है। तो आपने सेलफोन को अपडेट भी किया लेकिन फिर भी वैसे का वैसे ही चल रहा है। दोस्तों, सब्सक्राइब, इससे पहले जो नए आने वाले यूज़र्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड्रॉयड कंप्यूटर ट्रैक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, अब मैं एक सीक्रेट कोड यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। वैसे तो कई तरीके हो सकते हैं, तो मैं यहाँ अपने डायल पैटर्न में आ गया हूँ। ये देखिए, जैसे कि मैंने ये ओपन कर रखा है, डायल पैटर्न आपके सामने है। *#R9 9 9 9 0 8 0 ठीक है। देन ये देखें, मैंने *##R9 9 9 0 0 *##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 #*##*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 #
hash 00 hash hash 009 asterisk hash asterisk asterisk hash asterisk hash backspace button asterisk deleted run dump state slash log cat slash. तो ये देखिए इस तरह आपके सामने ये चीजें आ जाएंगी. लेकिन दोस्तों आपको मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि इसमें काफी चीजें शो करवा रहा है लेकिन आपने किसी को भी नहीं छेड़छाड़ करनी. अगर इसमें से आपको मेरे बताए हुए चीज़ों को आप अगर इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे यानी इस वीडियो को रिवाइंड कर करके देखेंगे निकाल निकाल के देखेंगे तो आपको समझ शायद ना आए. लेकिन इनमें से किसी को छेड़छाड़ नहीं करनी. जो मैं बताऊँगा बस उसी को आपने छेड़ना. WLAN advanced debug media db dump button type or run dump state colon enable seg log open parent currently exit button battery stats reset button. ये देखिए एक तो सबसे पहले ये है WLAN battery stats reset. इसके ऊपर क्लिक करके भी आप रीसेट कर सकते हैं. ठीक है media db dump button enable seg log open parent currently type or run dump media db dump. और दूसरा में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है ये देखिए सीपी रैम लॉगिंग के नीचे बिल्कुल दिया हुआ है. ये देखिए लो बैटरी डम्प आपने इसको ऑन कर देना है जो कि मेरा ऑलरेडी ऑन मैंने कर रखा है. जैसा कि ये देखें TCP dump low battery dump colon off. ठीक है अब इसमें
PC low battery dump colon button. तो दोस्तों ये काफ़ी यूजफुल टिप हो सकती है आप लोगों के लिए. तो मैं ये आज की थी छोटी सी वीडियो. तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दो तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे. सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़. My files.